तरबूज के फायदे जानने से पहले जरूर जान ले पांच सावधानियां, नहीं तो हो सकते हैं तरबूज के नुकसान। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल एमबीबीएस एमडी, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या है मीठे तरबूज की पहचान, उसके चार इंडिकेटर्स क्या हैं, और फिर एलोपैथी में बड़ी रिसर्च हुई है मॉडर्न साइंस में कि तरबूज के किस बॉडी के ऑर्गन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होते हैं। एक एक बॉडी का ऑर्गन मैं आपको बताऊंगा उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। और आयुर्वेद में ऐसा आया है कि तरबूज कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, कब ना खाएं, और कौन लोग तरबूज बिल्कुल ना खाएं उससे दूरी बनाएं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि आज एक बच्चा एडमिट हुआ है मेरे पास जिसका कि तरबूज खाने का तरीका ठीक नहीं था, उसकी हालत बिगड़ गई और वो अभी अभी एडमिट हुआ है। तो मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि गर्मियों में अच्छी तरह से तरबूज का उपयोग करें जिससे कोई नुकसान ना हो। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि तरबूज खाने के फायदे क्या हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में तरबूज को सिट्रुलस कैनेटस बोलते हैं। ये खनिज तत्वों का भंडार है, ये एक तरह की खनिज तत्वों की पोटली है, और इसको खनिज तत्वों का एक एटम बम भी कह सकते हैं। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के इसका अच्छी तरह से उपयोग करना है। इसमें लगभग 90 से 92% तक पानी होता है, 90 to 92% वाटर होता है इसमें। और लगभग डिफरेंट टाइप के तरबूज में, कोई फीका तरबूज है, कोई मीठा तरबूज है, तो 15 से 25 तक कैलोरी होती है इसमें, और प्रोटीन 0.6 ग्राम्स होती है, और टोटल फैट बड़ा ही कम होता है इसमें, लगभग 0.2 ग्राम के आसपास, और 7 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फाइबर्स भी लगभग 0.4 ग्राम के आसपास होते हैं। बाकी अनेक मिनरल्स होते हैं इसमें, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, 112 के आसपास, और सोडियम 1 के आसपास होते हैं, बड़े कम होते हैं। फिर जिंक होता है इसमें, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ए, और कैरोटीनॉइड्स इतने ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, जिससे कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को बड़ा फायदा मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि तरबूज के क्या फायदे हैं। नंबर 1, वाटरमेलन कीप्स बॉडी फ्रेश, हाइड्रेटेड एंड एनर्जेटिक। तरबूज शरीर को तरोताजा, स्फूर्तिवान और ऊर्जावान रखता है, क्योंकि मीठा तरबूज खाते ही इससे धीरे धीरे करके इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स बॉडी को मिलने लगते हैं, जिससे कि बॉडी बड़ी एनर्जेटिक फील होती है। तरबूज हमें हीट स्ट्रोक से ही बचाता है। तरबूज हम सीधा काट के भी खा सकते हैं, इसका रस भी पी सकते हैं, लेकिन तरबूज के साथ में कुछ ज़्यादा नमक, मीठा, मिर्च मसाले या बर्फ वगैरह ना मिलाएं, सीधा तरबूज ही खाएं, तब हमें इसका फायदा मिलेगा। जहाँ गर्मियों में लोग तरह तरह की बेवरेजेज, शरबत लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, तो उनसे नमक और मीठा बहुत ज़्यादा चला जाता है बॉडी में, लेकिन तरबूज का रस लेंगे तो ये पित्त को शांत करता है, जबकि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह वो पित्त को बढ़ाते हैं शरीर के अंदर, तो इसलिए उनसे बचें। फिर इसके अंदर आयरन का कंटेंट अच्छा होता है, तो इसलिए एनीमिया को भी दूर भगाता है ये। देन वाटरमेलन हेल्प्स इन वेट लॉस। तरबूज वजन कम करने में भी सहायक है, अगर इसका ऐसे ही तरह से उपयोग करें। ये एब्डोमिन फैट को, बेली फैट को कम करता है, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी के फाइबर्स होते हैं। वेट कम करने के लिए तरबूज का अच्छी तरह से जुडिशियसली यूज करें। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग फ्रेंडली भी है। सुबह पेट भर के 9-10 बजे खाना खा लें, दोपहर में केवल तरबूज खा के काम चलाएं, और शाम को फिर से 6-7 बजे पेट भर के खाना खा लें, तो तरबूज वेट लॉस में हेल्प करेगा। अगर किसी को 10 दिन में लगभग 5-6 किलो वेट कम करना है, तो 1 हफ्ते के लिए केवल तरबूज खा के काम चला लें, उस दिन ना नमक लें, ना मीठा लें, ना अन्न खाएं। अगर 5-6 दिन लगातार केवल तरबूज खा के भी काम चला लेंगे, तो 5, 6, 7, 8 किलो तक वेट कम हो सकता है। तो इसलिए इसका डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिफरेंट रेस्पॉन्स मिला है। और पतंजलि में जब लोग जाते हैं, तो पतंजलि में कुछ लोग केवल तरबूज पे ही रहते हैं और तरबूज के साथ ही योगा करते हैं, उनका बड़ा जल्दी वेट लॉस होता है, तो इसका फायदा उठाएं। डायबिटिक पेशेंट्स कैन टेक वाटरमेलन जुडिशियसली। शुगर के मरीज भी तरबूज का उपयोग कर सकते हैं, बस कुछ शर्तों का ध्यान रखें। कुछ फूड स्टफ्स होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, 1 से लेके 55 तक होता है, 1 to 55 होता है। किसी किसी फूड स्टफ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से लेके 69 तक होता है, और जिनका जिनको मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड कहते हैं, और जिनका 70 से ऊपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड स्टफ कहते हैं। तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 है, जो कि थोड़ा सा हाई है, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड कुल मिला के कितनी शुगर बढ़ी बॉडी की, वो इसका बड़ा कम है। अगर हम सारे फूड स्टफ को कैटेगराइज करें, तो सभी फूड स्टफ का ग्लाइसेमिक 1 से लेके 10 तक होता है, तो तरबूज का ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 2 के आसपास है, जो कि कम है। 5 डिसीज प्रूफ लाइफस्टाइल के पॉइंट याद रखें। अगर वैसा ध्यान रखेंगे, तो डायबिटिक लोग भी पेट भर के खा सकते हैं तरबूज। एक तो शाम का खाना थोड़ा सा सूरज छिपने के आसपास खा लें, फिर उसके बाद 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आए, नंबर 2। नंबर 3, शाम को, रात को जल्दी सोएं, 10 बजे तक सो जाएं। नंबर 4, सुबह 4, 4:30 बजे उठ के 2.5 घंटे योग करें और लंबी वॉक भी करके आएं, फिर उसके बाद पेट भर के खाना भी खा लें। दोपहर में फिर पेट भर के अगर तरबूज खा लेंगे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, शाम को फिर खाना खा लें। इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे, तो डायबिटिक लोग भी तरबूज खा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। क्योंकि आज तक दुनिया में किसी की भी डायबिटीज इंसुलिन से ठीक नहीं हुई, लेकिन जो पतंजलि में जाकर जिन्होंने लाइफस्टाइल में बेसिक चेंज किए,
ये डिसीज प्रूफ लाइफस्टाइल के पॉइंट वहाँ पे जाके अपनाए तो उन लोगों की 50 लोगों की डायबिटीज ठीक होगी। इसका नाम है तरबूज का, तो इसमें ये एल-सिट्रुलिन से आर्जिनिन बनने की जो साइकिल है उसको ऑप्टिमाइज करता है, जिससे कि बॉडी की मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होती है और हेल्प मिलती है। फिर वाटरमेलन रिड्यूसेस एसिडिटी, तरबूज पित्त को शांत करता है। जहाँ बिवरेजेज और सॉफ्ट ड्रिंक्स एसिड को बढ़ाते हैं बॉडी के अंदर, कहते हैं उनको ठंडा है लेकिन वो ठंडे नहीं होते, वहीं तरबूज पित्त को शांत करता है। अगर फिर भी किसी को एसिड बने तो थोड़ा सा पुदीने के पत्ते भी तरबूज के साथ में ले सकते हैं। वाटरमेलन इंप्रूव्स डाइजेशन एंड फाइट्स कॉन्स्टिपेशन, तरबूज पाचन को अच्छा रखता है और कब्ज को दूर भगाता है, क्योंकि तरबूज में हाई क्वालिटी के फाइबर्स भी होते हैं, फिर इसमें मिनरल्स भी अच्छे होते हैं, फॉस्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, जो कि गट की मोटिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो इसलिए तरबूज का फायदा जरूर उठाएं। तरबूज से मांसपेशियों की थकान और दर्द दूर होते हैं, फटीग दूर भागती है तरबूज से। अगर फिर भी किसी को वीकनेस लगे तो अश्वगंधा के पाउडर 1 चम्मच 1 गिलास दूध में डाल के ले सकते हैं, लेकिन तरबूज के साथ दूध ना लें, 1 घंटे का गैप बनाएं। वाटरमेलन की योर हार्ट हेल्दी एंड इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, इट मेंटेन्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वेल। तरबूज हृदय को स्वस्थ रखता है और हृदय को मजबूत बनाता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम कंटेंट बड़ा अच्छा है, 112 के आसपास पोटेशियम होते हैं इसमें। फिर इसमें जो सिट्रुलिन कंपोनेंट है वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में हेल्प करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो नाइट्रेट्स हैं ये ब्लड सर्कुलेशन को चौड़ा करके रखते हैं, उनमें खुल के ब्लड का फ्लो होता है, जिससे कि ब्लॉकेज से बचाव रहता है और ब्लड प्रेशर हमारा मेंटेन रहता है। इसलिए तरबूज का फायदा उठाएं। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो अर्जुन की छाल का भी कुछ दिनों के लिए उपयोग कर सकते हैं, वो भी ब्लड सर्कुलेशन को हमारे इंप्रूव करता है। वाटरमेलन कीप्स गम हेल्दी, क्योंकि तरबूज के अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में होते हैं, तो ये कोलेजन की सिंथेसिस करवाता है, तो मसूड़ों को स्वस्थ रखता है तरबूज, इसलिए इसका फायदा उठाएं। ये आगे हमारे डेंटल कैरीज और डेंटल कैविटी से बचाता है, क्योंकि मसूड़ों की हेल्थ अच्छी रहती है तो बैक्टीरिया की लॉजिंग नहीं होती उसमें। ऐसे मसूड़ों और दांतों की 100 ईयर्स तक अच्छी हेल्थ रखने के लिए एक तो इंटरडेंटल ब्रश करें, जो मसूड़ों के बीच में भी जाके सफाई करते हैं, ये सिंपल भी होते हैं, ये एल शेप में भी होते हैं पीछे वाले मसूड़ों के लिए, और एक ये इंटरडेंटल फ्लॉस, इसका भी फायदा उठाएं। मैं पिछले 25 सालों से इंटरडेंटल फ्लॉस करता हूं, इससे भी मसूड़ों की बड़ी अच्छी सफाई होती है। तरबूज खाने से त्वचा की रंगत अच्छी होती है और मुहासों से बचाता है तरबूज। मुहासे से बचने के लिए तरबूज को हम अपने फेस पे लगा भी सकते हैं, और जब भी धूप में कहीं जाना हो तो एक तरह की सनस्क्रीन की तरह भी काम कर सकता है। वाटरमेलन इंप्रूव्स किडनी फंक्शंस, प्रिवेंट्स यूरिन इन्फेक्शन एंड किडनी स्टोन। तरबूज से गुर्दे स्वस्थ होते हैं, क्योंकि ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है तरबूज से, नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे बनती है तो उससे ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में इंप्रूव होता है और किडनी के फंक्शन इंप्रूव होते हैं हमारे। वाटरमेलन इंप्रूव्स विजन और आई साइट, तरबूज से आंखों की रोशनी बढ़ती है, क्योंकि इसमें विटामिन ए के प्रकर्सर्स होते हैं, तो उससे बड़ा फायदा मिलता है, विजन इंप्रूव होती है। देन वाटरमेलन करेक्ट्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड इंप्रूव्स मैस्कुलिन एज वेल एज फेमिनिन लिबिडो। तरबूज पुरुष और महिला दोनों की यौन दुर्बलता को दूर करता है। तरबूज के बीज बड़े कीमती होते हैं, इनकी जो गिरी है इसमें मूफा और पूफा होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो बड़ी हेल्प करते हैं बॉडी की। वाटरमेलन इंप्रूव्स इम्यूनिटी एंड फाइट्स एजिंग, तरबूज इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बुढ़ापे को दूर भगाता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें विटामिन सी B6 अच्छी मात्रा में होती है, जो कि मन को शांत रखती है, डिप्रेशन से बचाती है। वाटरमेलन में हेल्प प्रिवेंट कैंसर, तरबूज कैंसर से बचाने में भी सहायता करता है। प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर के प्रिवेंशन में रिसर्च ने प्रूव किया है कि तरबूज हेल्प करता है, और कई कैंसर की थेरेपी में भी तरबूज का यूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि तरबूज खाते समय सावधानियां क्या बरतनी है, जिससे कि तरबूज खाने से नुकसान ना हो जाए। सबसे बड़ी चीज है कि अवॉइड ओवर डोज, ओवर यूजिंग ऑफ वाटरमेलन। स्वाद के चक्कर में तरबूज ज्यादा ना खा जाए, नहीं तो लूज मोशन लग सकते हैं, जिसका IBS हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, प्रेसिपिटेट हो सकता है, बढ़ सकता है। वाटर रिटेंशन हो सकता है अगर तरबूज ज्यादा खाएंगे, ओवर हाइड्रेशन हो सकता है बॉडी में। फिर जिसको फैटी लिवर हो, PCOD हो, तो या डायबिटीज मेलाइटिस हो, ये सब चीजें तरबूज ज्यादा खाने से बढ़ भी सकती हैं, ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। देन सेकंड, टेक वाटरमेलन बिफोर सनसेट, शाम को सूरज छिपने से पहले तरबूज खा लें, नहीं तो अगर सूरज छिपने के बाद तरबूज खाएंगे तो सांस की दिक्कत बढ़ सकती है, ब्रोंकियल एस्मा का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है, और नेबुलाइजर इनहेलर की जरूरत पड़ सकती है। खांसी जुकाम छाने से दिक्कत बढ़ सकती है, किसी को जॉइंट पेन हो वो बढ़ सकता है। लेट नाइट में लेके सोएंगे तो हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकता है और वाटर रिटेंशन होता है और वजन भी बढ़ सकता है। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, विरुद्ध आहार क्या होते हैं, तरबूज किसके साथ नहीं खाना चाहिए। एक तो तरबूज जब खाया है तो आधा 1 घंटा पहले पीछे पानी ना पिए, कम से कम आधे घंटे बाद पानी पिए। फिर दूध और दही के साथ तरबूज भूलकर भी ना लें। फिर खाना पका हुआ खाना अगर खाया हमने, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, खिचड़ी दलिया, तो अगर साथ में तरबूज लेंगे तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, आंतों में बना लग सकता है, इसलिए तो पके हुए खाने से 1-2 घंटे के गैप पे तरबूज खाएं। तरबूज
फिर जब तरबूज खा रहे हैं तो ज्यादा उसमें मसाले, नमक, मीठा, बर्फ वगैरह डाल के तरबूज ना खाएं, प्योर नेचुरल तरबूज खाएं, तब उसका हमें फायदा मिलेगा। फिर किसी किसी को एलर्जी होती है तो वो भी देख ले कि थोड़ा सा तरबूज खा के अगर एलर्जी होती है तो फिर उनको तरबूज से दूरी बनानी पड़ेगी। इसके अलावा तरबूज को फ्रिज में से एकदम निकाल के ना खाएं, क्योंकि तरबूज की वैसे ही तासीर ठंडी होती है। तरबूज खाने से पहले तरबूज को एक घंटा पानी में डाल दें, उसके बाद तरबूज खाएंगे तो उसका बड़ा फायदा मिलेगा। तरबूज कब खाएं, तरबूज कितना खाएं, एक तो सुबह के नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच में तरबूज खा सकते हैं, या दोपहर के खाने और शाम के खाने के बीच में तरबूज खा सकते हैं, खाने से एक दो घंटे के गैप में खाएं। तरबूज कितना खाएं, कुछ जो हेल्दी पर्सन है जो दिन भर मेहनत करते हैं वो 200 300 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक तरबूज खा सकते हैं, उससे ज्यादा तरबूज ना खाएं, नहीं तो तरबूज दिक्कत करेगा। मैं आया हूँ गुड्डू के पास, इनका पुश्तैनी काम है तरबूज का, कई पीढ़ियों से ये लोग तरबूज का काम कर रहे हैं। इन्होंने मेरे को चार पॉइंट बताए हैं कि हम कच्चे तरबूज को पक्के तरबूज को कैसे पहचानेंगे। देखिए, एक तो जितना कलर डार्क होगा तब तरबूज पक्का होगा, मीठा होगा। नंबर दो, जो तरबूज वजनी होगा, जिसका वजन ज्यादा होगा, तो वो भी पक्का तरबूज होगा और मीठा तरबूज होगा। वैसे भी फल अगर पके हुए खाएंगे तभी फल मीठे होते हैं, और अगर कच्चे फल होंगे तो उनमें खटास या फीकापन होता है। ये फील्ड मार्क है, जो फील्ड मार्क है अगर जितना डार्क येलो कलर का होगा उतना ज्यादा पका हुआ होगा। जब ये तरबूज ऐसे होता है तो ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, तो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ से जितना ज्यादा देर तक टच रहेगा, वैसे 70 से लेकर 90 दिनों तक तरबूज की फसल पकती है। अगर पूरी फसल पक जाएगी तो उसमें मिठास ज्यादा आएगी। तरबूज का जो डंठल है, अगर ये सूखा हुआ होगा डंठल, इसका मतलब अपने आप ही उससे बेल से अलग हो गया है, मतलब पूरा पक गया है। अगर ज्यादा हरा डंठल होगा तो इसका मतलब तरबूज कच्चा है और उसमें फीकापन होगा। फिर है इसका हम करेंगे टैप टेस्ट, जब हम थपकी मार के देखेंगे तो इसकी होलो आवाज जो है कड़क आवाज होगी, और अगर दबी हुई आवाज है, इसका मतलब तरबूज कच्चा है, उसमें पानी भरा हुआ है अभी, उसमें उसका रस पका नहीं है। परकशन टेस्ट में हम देखेंगे कि अगर इसकी आवाज होलो आवाज है तो ये पक्का है, और अगर आवाज होलो नहीं होती तो दूसरी आवाज दबी हुई आवाज होती है, तो इसका मतलब इसमें रस पका नहीं है। अब देखिए, ये तरबूज को एक बार दिखाइए, काट के दिखाइए, ये सारे ही तरबूज चुन चुन के लाए हैं, यहाँ पे कच्चा तरबूज है ही नहीं। अगर कच्चा तरबूज होता तो मैं दिखाता। ये देखिए, ये तरबूज पका तरबूज है, और इसका टेस्ट भी मीठा निकलेगा, और दानेदार सा जो दिखाई दे रहा है इसका, ये अच्छा तरबूज है। ऐसे हम तरबूज को पहचान सकते हैं, क्योंकि तरबूज को काटना ना पड़े हमें, अक्सर काटना ना पड़े हम, अगर इसे टेस्ट करके ये चार इंडिकेटर से अगर हम पहचान लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, जिससे कि हमें उस ऑन द स्पॉट ना काटना पड़े। जब जरूरत हो तब हम धो के अच्छे घर के चाकू से काट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बीच में होलो स्पेसेज हैं, इसकी वजह से इसकी परकशन नोट जो है होलो डल आवाज़ होती है, तो ये होलो आवाज़, इसका मतलब रस पक चुका है और इसे ग्रेन्यूल्स बन गए, दाने बन गए हैं। अगर कच्चा तरबूज होगा तो सीधा फ्लैट पानी होगा, उसकी परकशन नोट अलग होती है। चलें, मेरी तो लगभग हर सब्जी और हर फल के बारे में वीडियो है, तो आप जरूर देखें, और ऐसी ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन को सब लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि सब इसका फायदा उठा सकें।